नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात गजनेर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुवारी गांव का है। यहां का प्रधान शिशुपाल सिंह दबंग और अपराधी किस्म का है। अपनी दबंगई के बल पर शिशुपाल ने मनोज कुमार अग्निहोत्री के पुस्तैनी से मंदिर पर कब्जा कर लिया। प्रधानी के नशे में चोर शिशुपाल ने इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनवा दिया। मनोज का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो दबंग प्रधान के भाई किशन पाल सिंह और भतीजे आशीष सिंह ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं से बदसलूकी की और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। डरे हुए पीड़ित परिवार से पीड़ित गजनेर SO क्षेत्राधिकारी अकबरपुर संदीप सिंह, SP केशव कुमार चौधरी, जिलाधिकारी महोदय भोपी पर विधायक विनोद कटियार के अलावा मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने पीड़ित के गांव जाकर जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी। इस पर पीड़ित मनोज ने अकबरपुर क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह को दोबारा प्रार्थना पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की। इस पर कार्यवाही करते हुए CO अकबरपुर ने मंदिर के कागजों का निरीक्षण करने के बाद दबंग प्रधान को बाउंड्री वॉल हटाने का आदेश दिया, लेकिन सत्ता के संरक्षण में बावले हो चुके प्रधान शिशुपाल ने आदेश को दरकिनार करते हुए बाउंड्री वॉल नहीं हटवाई। उल्टा नाराज दबंग प्रधान अपने भाई और भतीजे के साथ मिलकर पीड़ित को रास्ते में घेर कर जान से मारने की धमकी देने लगा। धमकी से भयभीत पीड़ित ने जिले के उच्च अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला। दबंग प्रधान द्वारा कई महीनों से मिल रही लगातार धमकियों से परेशान होकर जिले के साथ साथ उच्च अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल पा रहा। आपका? सर जी, हमारा नाम है मनोज कुमार अग्निहोत्री। कहाँ रहने वाले हैं? हम दुवारी के रहने वाले हैं सर। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यह है सर जी, हमारे जो है बुजुर्ग की मंदिर है, बुजुर्ग लोग निर्माण कराओ। मंदिर कहाँ पे है ये? मंदिर हमारे घर के बगल में ग्राम दुवारी में है। अच्छा, वो आपका बुजुर्गी मंदिर है? बुजुर्गी पुस्तैनी मंदिर है जी। बुजुर्गी पुस्तैनी मंदिर है ये। वो मैं जो है सर जी बाल बाउंड्री कराए। कौन कराया है? श्री सुषपाल सिंह। ये कौन है? गाँव के? गाँव के पूर्व प्रधान है सर जी। अच्छा, वर्तमान में इस पर प्रधान कौन है? उन्हें इनके घर से हुई गई। फिर क्या है आगे बताइए। यो है कि सर जी पुरानी रास्ता बंद कर दी मंदिर जाए थे, अब वो जो है कुआं पीछे है मंदिर के, तो कुआं के सामने जो है गेट लगा हुआ जाकर, और कुआं में यहाँ चौखट करवा दी, कुआं के चार खंभा करवा दी, कुआं में जाल लग गए। अच्छा, आपकी पुस्तैनी मंदिर में जिसे उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की, प्रार्थना पत्र दी? हम सर जी थाने से ले गए, मतलब क्षेत्राधिकारी महोदय, श्री कप्तान साहब महोदय, श्री DM साहब महोदय, और श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पोर्टलों की नजर जी दीवार कर चुके। अच्छा, आपने इतने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्या कारण है? अब कहा सर जी, उनके दबंगई है, उनके पास पैसा है, हमसे कहा था कि तुम चाहे जितना दौड़ो हम कोर्ट खरीद ले गए, तुम्हें दौड़ा दौड़ा सका दे। हम कोरोना काल में सर जी साइकिल से दौड़ो अकबरपुर थाना गजनेर थाने में 3-3 बार साइकिल से दौड़ा हुए, और रात ड्यूटी कर रहा था सिक्योरिटी में रायपुर में सर जी, तीन में दौड़ते रहे भूखे प्यासे, और सर जी रात भर ड्यूटी कर रहा था, तो हमारा शरीर बिल्कुल सुखान जा रहा, न्याय नहीं मिल। अच्छा, किसी तरीके से कोई अधिकारी यहाँ पे मौके में जाँच करने आया था क्या? सर जी हमारे क्षेत्र अधिकारी महोदय आए थे, तो क्षेत्र अधिकारी महोदय एक नजरिया नक्शा बना पूरी आधार से काफी निस्तारण कराई गया है, मंदिर में जगह कम है, बाउंड्री या गलत बनी, लेकिन निस्तारण काम में नहीं आए। अब जो कारण हो, उनके दवा हुई हो या अपन जो कुछ भाव हो, हम उनके पास फिर गए क्षेत्राधिकारी महोदय के पास, तो उनसे कहो हम सर जी मतलब हमारे जो हम भैंसिया उपाने लगा, आपका यहाँ कहते भी या मंदिर की जगह मंदिर में हुई, मंदिर के सहन की जगह मंदिर में हुई, और इस क्षेत्राधिकारी के महोदय जी के समझौता के बावजूद उन भैंसिया का देगा, मतलब कुआं में यहाँ कुआं का मैं इतना चौखट। अगर क्षेत्राधिकारी ने मौके पर अगर नजरी नक्शा तैयार किया जांच कार्रवाई करते हुए, उसका अगर पालन प्रधान जी नहीं कर रहे हैं सुषपाल सिंह जी, तो किस तरीके के दबंग है, किस तरीके के दबंग है ये? अरे दबंग का सर जी बहुत बड़े दबंग है, वही उनके भाई भतीज चढ़ के मारा था घर, अगर उन्हें फोटो ले लगन तो या फोटो भेज दे जाए उस अधिकारी साहब के पास, तो वही जो है रास्ता मरी है घर चढ़ के मारा था, औरतन के साथ बदसलूकी करा थे, मोटरसाइकिल टोल गाड़ी ना करे, अब बहुत परेशान करे सर जी, मतलब वही समझ लो। अच्छा, भाई भतीजे का नाम क्या है उनके? उनके किशन पाल, श्री किशन पाल सिंह, और उनका लड़का है आशीष,
ये जो लोग जो आए थे सावर से मोटरसाइकिल तोड़ डाली ना था और मतलब कुल्हाड़ी लेके सावर लेके आए थे काफी काट डर के गाँव नरा मारे मारे जूतन के गांव से भगा के माला डाल के करिया। आपने उच्च अधिकारियों को इतनी जगह प्रार्थना पत्र दिए लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर जी, कहूँ से मिल जाए, आप लोगों की दया से कहूँ से मिल जाए सर जी, माननीय अधिकारी महोदय जी से कहूँ से मिल जाए।